वेलकम टू रिक्कीज़ फूड रेसिपीज। आज हम बनाने वाले हैं कटहल की सब्जी, बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही फ्लेवरफुल। जनरली लोग कटहल लाते हैं लेकिन एक प्रॉपर तरीके से उसे बना नहीं पाते हैं, तो मैं आज आपको वो ही बनाना बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप बनाइए जिससे ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगे। एज यूजुअल जो घर में इंग्रेडिएंट्स होते हैं उन्हीं से मैं आपको बनाना बताने वाली हूँ जिससे आप उसको आराम से बना सके, और जो नहीं खाता है आप उसको इस तरह से बना के खिलाएंगे तो वो भी कटहल खाने लगेगा। चलिए देखते हैं मैंने उसके लिए क्या क्या लिया है और आपको क्या क्या लेना है। तो हम ले रहे हैं इसके लिए 2 टमाटर, इसको बारीक कट कर चुकी हूँ मैं। 4 मैंने अनियंस लिए हैं छोटे, और इनको मैंने इस तरह से लंबा और बारीक कट किया है। ये थोड़ा सा मैंने लहसुन लिया है, और ये 2 ग्रीन चिलीज ली हैं, इनको मैंने गोल कट किया है। और हम लेंगे कटहल। कटहल मैंने बॉयल किया था और इसको फिर मैंने कट कर लिया है, इसके पीसेस किए हैं। इतने बड़े हमें इसके पीसेस करने हैं, और जो इसमें बीज होते हैं कटहल में, और हमें इसके छिलके उतारने होते हैं बीज के। अगर हम बीज के छिलके क्लीन नहीं करेंगे तो वो मुंह में आकर फ्लेवर खराब करते हैं, तो ये जो बीज निकलते हैं उसमें से ये बीज में से हमें इस तरह से जो इसकी स्किन होती है वो हमें क्लीन करनी है, निकाल के इसको हमें अलग करना है जिससे ये हमारा टेस्ट खराब नहीं करे। तो ये मैं निकाल चुकी हूँ पहले से, आप भी इसको निकाल के ही बनाइए। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। जैसे जैसे मैं वेजिटेबल बनाती जाऊंगी मैं आपको बाकी के इंग्रेडिएंट्स बताती जाऊंगी, मतलब मसाले बताती जाऊंगी कि हमें क्या क्या मसाले चाहिए होंगे। एक गैस पे आप कढ़ाई रखिए और उसमें आप कम से कम 3 सर्विंग स्पून ऑयल डालिए। इसमें हम थोड़ा ऑयल ज्यादा लेंगे वेजिटेबल में जिससे ये बहुत टेस्टी लगे। आप चाहें तो इसे कम ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन कुछ सब्जियों में मुझे ऑयल ज्यादा अच्छा लगता है। इसे हम तेज गरम होने देंगे। ऑयल गरम हो चुका है, इसमें हम 1/4 टेबल स्पून जीरा डालेंगे। इसमें अब हम 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टेबल स्पून हम हींग पाउडर ऐड करेंगे ऑयल में। अब ये जो हमने अनियन कट करके रखा है वो हम ऑयल में डाल देंगे। प्याज को हम 1 मिनट तक फ्राई करेंगे, फ्लेम को आप लो पे रखिए। जब भी हम कोई वेजी बनाते हैं तो उसमें प्रॉपर मसाले होना बहुत जरूरी होता है, तभी वो फ्लेवरफुल लगती है। ये देखिए प्याज सोते हो गई है, इसमें अब हम कटहल ऐड करेंगे। ये कटहल 1/2 केजी लिया है मैंने। इसको हम ऑयल और अनियन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें अब हम 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे कटहल के साथ में। हमने ये जो गार्लिक लिया था इसे हम कूटेंगे। अब गार्लिक जब हम कूट के मिक्स करते हैं तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। गार्लिक कूट लिया है, अब हम गार्लिक को इसमें मिक्स कर देंगे। कटहल के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। लहसुन की खुशबू और कटहल का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। आप गार्लिक नहीं खाते हैं तो आप गार्लिक मत डालिएगा। अब लो फ्लेम पर 5 मिनट्स के लिए हम इसे कवर करके रखेंगे। 5 मिनट्स हो चुके हैं, इसमें अब हम टमाटर ऐड करेंगे 2, जो बारीक कट किए हुए पहले से रखे हैं। मिक्स कर लेंगे इसके साथ में। अब इसे हम 5
5 मिनट्स के लिए कवर करके रखेंगे। 5 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम कटहल को अनकवर कर देंगे। अब इसको हम 15 मिनट्स तक कम से कम भूनेंगे। इसमें हम हरी मिर्च भी ऐड कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं कटहल के साथ में। और अब हम कटहल को भूनने देते हैं, इसको चलाते रहेंगे बीच बीच में जिससे ये जले नहीं। इसका पानी सूखना बहुत जरूरी है, पानी सूखने के बाद ही इसमें रियल फ्लेवर आता है। 10 मिनट्स हो चुके हैं, ये प्रॉपरली भून चुका है। अब इसमें मसाले ऐड करते हैं। हम इसमें 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा स्पाइसी बनाने वाली हूँ मैं। 1 टेबल स्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, आप चाहें तो और ज्यादा कर सकते हैं। 1/4 टेबल स्पून हम अमचूर पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून हम गरम मसाला ऐड करेंगे, 1/4 टेबल स्पून हम नमक और ऐड करेंगे। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उससे पहले हम थोड़ा सा इसमें और ऑयल ऐड करेंगे, करीबन 1.5 टेबल स्पून। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। फ्लेम को आप लो टू मीडियम ही रखिए कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और आप देखिए इसका रंग भी कितना अच्छा आया है। मसालों को भी हमें बहुत अच्छे से भूनना है, तो हम इसे 1 मिनट और भूनेंगे। आप कटहल को बहुत अच्छे से भूनिएगा, अगर कटहल अच्छे से नहीं भूनता है तो फिर फ्लेवर वैसा नहीं आता है जैसा आना चाहिए। थोड़ा ना जो हम खाते हैं फिर से तो मुंह में पानी पानी सा आता है। तो आप हमेशा कटहल बनाते टाइम उसको बहुत अच्छे से भूनिए। जो आप गार्लिक डालते हैं वो गार्लिक पेस्ट यूज करने की जगह गार्लिक को कूट के डालिए, तो गार्लिक का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो उसे हम 30 सेकेंड्स और भूनने के बाद ये सर्व करने के लिए एकदम रेडी हो जाएगा। तो आप देखिए ये प्रॉपरली भून चुका है, मसाले भी भून चुके हैं, ये सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। इसको आप रोटी के साथ, पराठे के साथ सर्व कीजिए, और चाहे तो आप इसे ब्रेड में लगा के खा सकते हैं, इसके टैकोस बना सकते हैं। तो आप भी मेरी रेसिपी फॉलो करके कटहल बनाएं और अपने रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग रिक्कीज़ फूड रेसिपीज़। बाय बाय एंड टेक केयर टिल नेक्स्ट वीडियो।